खबर पौड़ी से। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य और नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम द्वारा कंडोलिया थीम पार्क को संचालित फंक्शनल करने का शुभारंभ किया। इसके साथ ये पार्क बच्चों, महिलाओं, वयस्कों और वृद्धजनों के लिए बहुत सारी मनोरंजक खूबियों के साथ सप्ताह के सातों दिन खुला रहेगा। पार्क सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। पार्क में प्रवेश हेतु प्रति व्यक्ति का 5 रुपये टिकट लगेगा और रिस्ट बैंड लेना अनिवार्य रहेगा। इस पार्क में बच्चों के लिए झूला, स्लाइड, बाल क्रीड़ा उद्यान के अतिरिक्त बच्चों से संबंधित और वयस्कों के लिए ओपन जिम, टहलने के लिए राउंड पार्क परिसर, लोगों को जन्मदिन फंक्शन, पार्टी, एनिवर्सरी और जैसे फंक्शन मनाने के लिए प्राकृतिक थीम आधारित मनमोहक वातावरण मिलेगा। पार्क में विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यंजक के अतिरिक्त स्थानीय व्यंजक का लुफ्त उठाया जा सकेगा। कंडोलिया पार्क का संचालन श्री गणेशा एडवेंचर द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अपने संबोधन में कहा, इस पार्क में आध्यात्मिक, नैसर्गिक, स्थानीय, सांस्कृतिक से सुसज्जित सभी तरह की खूबियां मिलेंगी। उन्होंने इस थीम पार्क के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इसको होम स्टे से कनेक्ट करने और चारधाम यात्रा से भी जितना कनेक्ट हो सके उसे कनेक्ट करने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने पौड़ी जनपद के कल्चर, यहाँ के लोगों की कर्मठता और यहाँ की खूबियों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ लोगों की जीवटता की आज पौड़ी जनपद विश्वभर में अपनी कर्मठता और नेतृत्वशीलता के लिए प्रसिद्ध है। कहा, यहां पर्यटक कंडोलिया पार्क के अलावा टेका मार्ग, कंडोलिया मंदिर, क्यून कालेश्वर मंदिर सहित अन्य प्रसिद्ध जगहों का भी लुफ्त उठा सकेंगे। जिस वर्ष हुआ उस समय से लेकर अभी तक उसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। एक महत्वपूर्ण स्थान उसका रहा है इतिहास। आप भी इस बात को जानते हैं, आज की तारीख में 6 मुख्यमंत्री जनपद से उनका ये क्या कह सकते हैं निवास स्थान रहा है, ये उनका पैतृक स्थल रहा है और इसीलिए उनका जुड़ाव इस जनपद से बहुत बेहतरीन निवासी रहे हैं। और इस जनपद का जो स्थान है, मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से जो परिवर्तन इस जनपद ने देखा है, मैं उसी की बातें कर सकता हूँ। कोविड काल में जहाँ पर अस्पतालों में अवसर तक बढ़ाने में मदद करेंगे, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में कंडोलिया थीम पार्क जो चारधाम यात्रा से जुड़ने का एक प्रयास करना चाह रहा है वो होगा। उसमें जो भी मदद हमारी ओर से आपको चाहिए, मेरे ख्याल से कोई भी जिलाधिकारी हो, कोई भी CDO के रूप में कार्य करें, लेकिन आपका वो प्रयास सफल होगा ऐसा मैं भगवान से मनोकामना करता हूँ और आशा करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि कंडोलिया थीम पार्क उन सब उपलब्धियों को हासिल करेगा जो सफलता के मानक होते हैं। समाप्त होने के पश्चात काफी समय तक उसमें टेंडर प्रक्रिया में समय बीत गया और बीच में निर्वाचन की वजह से भी आचार संहिता प्रभावी होने के कारण वो कार्य नहीं हो पाया था। फिलहाल में हम लोगों ने कार्य पूर्ण कर लिया है और वहाँ पे एक संस्था को संचालन के लिए आमंत्रित किया है। उस संचालन ने संस्था ने अपना कार्य प्रारंभ करना आज से शुरुआत करने का मंशा जाहिर की है। आज एक छोटा सा उन्होंने लोकार्पण कार्यक्रम भी रखा है और शुभारंभ भी रखा है। उसके पश्चात जो है ये पार्क जो पब्लिक के लिए खुला हो जाएगा। खबर भारत वर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।